नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। ये रामविलास जी हैं मेरे साथ में। ये इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है पेड़ पौधों के बारे में। और घर में आजकल जैसे पूरे देश में, जहाँ भारत में 135 करोड़ लोग हैं, 35 करोड़ लोग लगभग कोमोरबिड हैं, कोई ना कोई उनको दिक्कतें हैं, और ऑक्सीजन की कमी बड़ी ज़्यादा देखी जा रही है। हम घर में ऑक्सीजन की फैक्ट्री कैसे लगाएं? ये देखिए है साक्षात घर में फैक्ट्री ऑक्सीजन की। अगर ऐसे पूरे भारत के लोग लगाएं तो उसे बड़े सारी दिक्कतें कम हो सकती हैं। ये है एरिका पाम, आइए रामविलास जी। और ये है देखिए बैम्बो पाम, ये है एक तरह से स्नेक प्लांट। ये प्लांट जो होते हैं ये मानव जाति के लिए वरदान है। तो घर में ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ाते ही हैं ये प्लांट्स, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजनस गैसेस होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए जब लोग घर को पैक करके खिड़की दरवाजे बंद करके और एसी चला के सोते हैं तो उसे जो हम सांस छोड़ते हैं बाहर वही सांस फिर ले लेते हैं, जो छोड़ते हैं वही सांस फिर अंदर ले लेते हैं, उससे होती हैं बीमारियाँ। फिर हमारी बॉडी की ऑक्सीजन नीड बढ़ जाती है और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे पार पाने के लिए हमें ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये तो घर का इंटीरियर है, और घर की अभी मैं देखता हूँ, आपको बाहर दिखाता हूँ कि बाहर भी हमने कितने कैसे पौधे लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेंसेलवेरिया की छोटी वैरायटी है जिसको आप कहीं बाथरूम में, किचन में, कहीं भी आराम से रखा जा सकता है। इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन में एक बार पानी डालिए, ज़्यादा पानी भी इनको नहीं चाहिए होता है। तो भगवान ने जो नेचर में बनाई है चीज़ें हमारे ऑक्सीजन के लिए, वो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, ताकि आपको कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए अब हम आए छत पे, ये छोटी सी छत है लेकिन वैरायटी ऑफ ट्रीज यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, हर्ब्स एंड श्रब्स छोटे छोटे, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, कुछ सब्जियाँ भी उगाई हुई हैं, कुछ फल भी उगाए हैं। छोटी सी ये छत है और आप देखना कितना एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे रामविलास जी, जो हर कोई घर पर कर सकते हैं। ये देखिए, बताइए रामविलास जी ये क्या है? ये चीकू प्लांट है जी। अच्छा, 6 साल का पौधा है और आप इसमें देखिए कि अल्टीमेट फ्रूट जो है लगा हुआ है, इतना एक छोटे से टब में लगा हुआ है। देखिए 20 छोटा कितना पका हुआ चीकू है, ये हो गया। उसके अलावा हाँ, इसी तरह से ये नींबू लगा दिया, ये अमरूद लगा दिया, ये देसी नींबू आपने मुझे तोड़ के दिखाए थे, छोटा वाला, छोटा सा नींबू है, बड़ा कागजी नींबू है, कागज जैसे। और ये चीकू का प्लांट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पान के पौधे हमने लगा दिया आगे मेडिसिनल में। पान का एक बहुत खास महत्व है, ये देखिए, ये इस तरह से पान है, इस तरह की खाज खुजली हो, मुंह की परेशानी हो, बहुत और खाने के बाद एक पान ले लें तो जो इसकी दिक्कतें आजकल, जो सांस की परेशानी है, लंग्स के लिए बड़ा ही इफेक्टिव काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया। ये पुदीने की वैरायटी देखिए, ऐसे करके सूंघेंगे तो बहुत ही पूरे यहाँ पे खुशबू फैल जाएगी। दूसरा क्या है कि ज़्यादा जगह की भी जरूरत नहीं है, एकदम रूटीन में लगाया हुआ है ये। इसी तरह ये मनी प्लांट की वैरायटी रहती है, सिंगोनियम बोलते हैं, ये भी पुदीने का है हमारा। ये लेमन ग्रास, हाँ ये लेमन ग्रास है, ये जैस्मिन का पौधा, ये आप लोग जानते नहीं है, देखिए ये पौधा जो है ये ब्राह्मी है, जो कि दिमाग के लिए, बालों के लिए जबरदस्त काम करता है। ये मेधावटी में ये बड़ा अच्छा कमीशन है, मेधा रस, तो ये ब्राह्मी का पौधा है। ये देखिए कितना देसी टमाटर है, छोटा सा, कितने कीमती ये पौधे हैं। ये क्या क्या है रामलाल जी? ये अरिका पाम है, हाँ ये लगाया हुआ, हाँ ये हैज की वैरायटी हो गई। ये हमारे ऑर्नामेंटल ऑरेंजेस हैं, जो कि ये देखिए, ये ऑर्नामेंटल बढ़िया फल लगा हुआ है, तेज खुशबू इसकी है, ऑर्नामेंटल इसकी ऑरेंज की बहुत अच्छी। इसी तरह मोगरा देखेंगे आप, मोगरा छोटे छोटे गमलों में इतना मोगरा लगा हुआ है। ये मिर्च, छोटी सी मिर्च, हाँ ये भी मिर्च है जी, बहुत ही बढ़िया काम करती है ये मिर्च। दूसरी है, कितने साल का प्लांट है ये? 4 साल का पौधा मिर्च का है और नॉर्मल मिर्च से 10 गुना तेज है ये। पानी की सब इंतजाम है इनके लिए, हाँ जी। चलिए ये फूल ये किस चीज के हैं? ये अपना जी रेन लिली है, ये लिली। एक बारिश जैसे पड़ी वैसे ही पूरा खिल जाता है, फिर दूसरी बारिश पड़ी वैसे ही खिल जाएगा। ये तुलसी है रामलाल जी? ये मरवा अपना लेमन तुलसी बोलते हैं इसको, लेमन तुलसी है, मरवा ये वाली। बहुत सारी वैरायटी होती है, अभी बड़ी सारी बेसिल दिखाई देंगी, और वो जो है वो पौधा किसी का अजवाइन जैसा, जो इसको बबरी बोलते हैं जी। और ये पौधा ऐसा है कि इसको आप एसिडिटी गैस हो, 15 मिनट के अंदर एसिडिटी रिलीज कर देगा। 4 पत्ता आप सवेरे खाइए इसमें, ये सदाबहार का है, ये पपीते का है। ये देखिए कितना आसानी से इनको, ये तरह तरह की नागफनियाँ हो गई, हाँ जी। ये कैक्टस की वैरायटियाँ हैं, तरह तरह की हैं सारी। ये बेसिल की वैरायटी हो गई,
हाँ, बेसिल की वैरायटी है देखिए, ये जो है वो पेपरमिंट है। पेपरमिंट कितने ही काम के लिए आती है। हाँ जी, ये लॉन्ग बेसिल, ये पान बेसिल, और ये देखिए ये जो है वन तुलसी बोलते हैं इसको, वन तुलसी। ये पूरा साल मतलब एज इट इज रहेगा आपका। ये हनी बेसिल में आ जाती है वैरायटी, इसका मिठास है, इसकी जो एरोमा है उसमें बिल्कुल मिठास आती है। अब एक ये देखिए, ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही गजब है, इसको ब्लेज बोलते हैं, और इसके अंदर सेंट अपने आप में इतना सेंट है कि कोई इसका कहना नहीं, कोई मुकाबला नहीं इसका। ब्लेज, ब्लेज बोलते हैं। हाँ, ब्लेज है। अच्छा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की बेसिल हो गई, ये कैम्फर बेसिल, ये है। अच्छा, ये कपूर तुलसी बोलते हैं। ये अपना जी वो फ्लावर है कार्नेशन। अच्छा, कार्नेशन डबल जो साइड होता है वो कार्नेशन, ये फ्लावर है। गोभी कैसी है? ये ऑर्नामेंटल गोभी जो सैलेड के लिए यूज करते हैं वो चीज है। ये देखिए तरबूज लगा रखे हैं, ये देखिए तरबूज, ये देखिए घर पे तरबूज छोटे से गमले में लगाया हुआ, जो पक्षियों को पानी पिलाने का गमला होता है उसी में तरबूज हो गया। कितना अच्छा देखिए। और ये लेमन ग्रास है, ये तो सबसे बढ़िया एंटी ऑक्सीडेंट है जी, और बहुत ही जबरदस्त। घर में चाय बना के पीते, घर में ही उगा सकते हैं इसे, देखिए कितना आसान है। कहीं भी ये गमले में लगा लो और आप डेली के यूज में ले सकते हैं। ये देखिए, ये एक देखिए, एक अपने आप में मेडिसिन है, ये इसको बोलते हैं हाड़जोड़। अच्छा, और ये ब्लेड, हाँ हाड़जोड़, मतलब हड्डी टूट जाए किसी की, जो अपने एलोपैथी इलाज में नहीं ठीक हो गए 15 दिन के अंदर हड्डी जोड़ देगा। बाकी पपीता का देखिए, छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे तरह तरह के, और इनके लिए खाद भी यहीं पे तैयार हो रही है। दिखाओ उम्मीद, ये देखिए, ये तरह तरह के प्लांट्स इधर भी हैं, और ये खाद, ये देखिए घर के अंदर ही खाद। कितनी आसानी से हम जो ऑर्गेनिक ये खाद कर सकते हैं इसमें बिल्कुल। ये देखिए, ये जो पत्तों का बिल्कुल सड़ा के खाद तैयार हो गया हमारा। ये घिया की बेल लगा दी है इसमें, घिया देखिए ये आना शुरू हो गया है इस तरह से। आना शुरू हो गया, तो पहले एक बार ले चुके हैं और आना शुरू नहीं होगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं, देखिए आइए, तो इस तरह से घर पे भी लगा सकते हैं आप। आइए, ये देखिए, ये प्लांट है छोटे छोटे तरह तरह के प्लांट। ऐसा प्लांटेशन कौन नहीं कर सकता, बड़ा इजीली कर सकते हैं सब लोगों की अगर ऐसे इंटरेस्ट हो। थोड़े से एफर्ट करने की जरूरत है जी, बिल्कुल। ये देखिए तरह तरह के फूल, ये कितना अच्छा लगता है। और अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, तो जब आगे बरसातें आएंगी तो ये तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। ये फूल जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे तो बहुत लहरा रहे थे फूल यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बैंगलोर में ऊटी गार्डन में आ गए, इस तरह से महसूस हो रहा। ये पुदीना जैसे इसे टब में उगा के घर में आप और बढ़िया आप काम कर सकते हैं। ये टब तो है 2 इंच का, और पुदीना का पौधा होगा 1.5 फुट का। मैंने तो आज तक देखा नहीं इतना ऊंचा पुदीने का पौधा, और ये पक्का भी है काफी। ये ऐसे गिरा लें, देखो ऐसे कैसे वापस हो जाता है। ये सारी प्लांटेशन तैयार हो रही है जी आगे के लिए। और ये देखिए सबसे बढ़िया चीज मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है जी, रुद्राक्ष का पौधा है। देखिए ये रुद्राक्ष में फूल आ रहा है, कदम का भी दिखाया था, और ये रुद्राक्ष। हाँ, ये रुद्राक्ष का पौधा है, वैजयंती का भी आपने दिखाया था। हाँ, वैजयंती का तो हमारे पास है जी। तो ऐसे मैं चाहता हूँ, ये देखिए इतने सारे प्लांट्स, इनको अपने बच्चों की तरह से देख रेख करनी पड़ती है। अगर देख रेख करेंगे, छाया की जरूरत है इनको, कितनी मॉइस्चर चाहिए, कितनी हीट चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, अगर ऐसे करेंगे तो उनकी उतनी ही अच्छी केयर होगी। देखिए ये सबसे सस्ता साधन है घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का। अगर कोई चाहे कि हम खर्चा कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन फास्ट रख लें, हफ्ते में एक दिन व्रत रख लें, और उसके बजाय हर पौधे एक एक दो दो चार चार पौधे ला के लगाने, उससे फ़ायदा रहेगा, पूरी फैमिली को फ़ायदा मिलेगा, और इनके साथ सजीवता आती है घर में, चैतन्यता आती है, सजीवता आती है, हम लाइवली हो जाते हैं, हमारा जमीर जिंदा हो जाता है। अगर हम पौधे की सेवा करेंगे, इनमें भी आत्मा का निवास है। पौधों में 4 कलाएँ होती हैं, जानवरों में 8 कलाएँ होती हैं, और इंसान में 12 कलाएँ होती हैं, आत्मा से परमात्मा। अगर बागवानी करेंगे तो उससे हमारे जमीर जिंदा हो जाते हैं, हमारी बड़ी सारी बीमारियाँ दूर भाग जाती हैं, हमारी चेतना जागृत हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप घर की ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए और घर में से प्रदूषण हटाने के लिए ज़रूर पौधे लगाएं। कुछ जो अंदर इंडोर लगाने के पौधे हमने आपको नीचे दिखाए, और कुछ आउटडोर के भी दिखाए। आप फल भी लगा सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं, आप ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी लगा सकते हैं, सबके बारे में रामलाल जी ने बताया। अब हम एक अगली बार वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि हम डिफरेंट बीमारियों को ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट घर में लगाते हैं, उसके लिए भी जुड़ना। जैसे मैं बिजी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बिजी रहें और इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करें, कि लोग नकारात्मक ना रहें, निगेटिव ना रहें, लोग सकारात्मक रहें। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं हमारे। मैंने भी अपने घर पे, जब मेरा घर बन रहा था बिल्डिंग पिछले 3 सालों से, तो मैंने रामलाल जी को बुलाया बार बार, अपने घर में दुनिया भर के पौधे लगा रखे हैं, 150-200 गमलों में ग्लोए लगा रखे हैं, बड़े सारे मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं। जब मैं नीचे लाइव सेशन करता हूँ ओपीडी में, उसमें भी मैं दिखाता हूँ पौधे लगा रखे हैं। बसंत का महीना जब से आया था,
मैंने पौधे दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लगाएं। अच्छा काम हमें चौड़े होकर करना चाहिए और गलत काम से डरते रहना चाहिए। आज ही पौधे लगाएं आप। अगर भारत के हर लोग, हर कोई लोग अपने बर्थडे पे पौधे लगाएंगे तो 45 करोड़ पौधे लग जाएंगे। अगर बच्चों के उसमें भी 45 करोड़ बच्चे हैं भारत में, और अगर सारे लोग अपने बर्थडे पे लगाएं तो 125 करोड़ पौधे एक साल में लग जाते हैं। और वैसे ही हम लगाएं, अगर त्रिवेणी हम लगाना चाहते हैं तो त्रिवेणी घर से बाहर लगा सकते हैं, किसी पार्क में जाके लगा दें, किसी खाली जगह पे लगा लें, खाली जगह पे। और यहाँ पे छोटे छोटे पौधे, तो ये तो जीवनदायिनी पौधे हैं, इनको भी जरूर लगाएं। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि सबको सकारात्मकता बढ़े और ऑक्सीजन की कमी से लोग ना, ये एक एक पौधा एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर को हाथ से ना जाने दें, जरूर घर में रखें। इनकी अपने बच्चों की तरह सेवा करें, जैसे हमने कोई घर में जानवर, पेट जानवर पाले होते हैं, ऐसी हैं ये हमारे बच्चे भी हैं और ये हमारे माता पिता भी हैं। प्रकृति साक्षात हमारी माता है, वो हमारी रक्षा करेगी, समय आने पे वो हमारी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ के तैयार रहेगी। तो हमें जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए। मेरा तो प्रकृति में विश्वास है, मैं चाहता हूँ आप भी विश्वास करें। थैंक यू।